बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैडम लुबना, आपने ज्वाइन कर लिया है? मैडम अच्छा, आज डॉक्टर जॉन जॉन कर्टस की क्लास है 11:30 बजे ना, तो कोशिश हमने यही इंशाल्लाह करनी है कि मैंने मैडम लुबना को भी रिक्वेस्ट की है कि हमने 1 घंटे में ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 20 के करीब केसेस है, तो हमने इंशाल्लाह इसको एंड करना है, थोड़ा जल्दी करना है, हर एक ने तरह टाइमली हम मैक्सिमम केसेस देख लें। मैडम लुबना, आपने ज्वाइन कर लिया? मैडम मैक्सिमम लोग जो हैं वो हैंड रेज करें। डॉक्टर लुबना, आपने ज्वाइन कर लिया? मैम डॉक्टर अंबर, मैडम आपने नहीं हैंड रेज किया? मैं कर देती हूँ। डॉक्टर आयशा स्टार, आप हैं? मैम जी हाँ सर, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी जी। मैम ठीक। डॉक्टर मरियम जुनेद, सॉरी डॉक्टर मरियम अदनान, आप हैं? मैम डॉक्टर लुबना, आपने ज्वाइन कर लिया? मैम नहीं भाई, शुरू करा दें, फिर वो जब आ जाएगी फाइनल डायग्नोसिस उससे ले लेंगे। शुरू करा लें, उसको अटेम्प्ट मारने दो ना। मेरा ख्याल मैडम लुबना, आप नहीं आए मैडम अभी? अस्सलाम वालेकुम सर जी। नहीं, मैंने ज्वाइन कर लिया अभी। ओके मैडम, मैं बात आपको करें? को मैडम मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मैडम, डॉक्टर जॉन की क्लास भी है 11:30, तो इंशाल्लाह हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि टाइमली हम केसेस देख लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चले मैं जी सर मैडम शुरू करता इंशाल्लाह। हूँ।
जी मैं पहले दो केसेस मैं ले लेता हूँ मैडम। जी सर ठीक है सर। दिस इज जस्ट एक्सरे ऑफ ए इमेच्योर पेशेंट ऑफ ए चाइल्ड। आई कैन सी दैट ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सीन इन द अपर एस्पेक्ट ऑफ द ईसोफेगस विद इट्स क्वाइलिंग इनसाइड इट। हाउएवर आई कैन सी ईयर ड्यूसेंसेस इन द stomach and gut small bowel bilateral lungs field are normal and cardiac size is normal. So this is a case of tracheoesophageal fistula most probably proximal atresia with a distal fistula type 3. It could be also type 4 madam. Or further, I will see associated anomalies with tracheoesophageal fistula like vertebral anomalies, anal atresia, tracheoesophageal, ये जो cardiac इसके अलावा जी सर vector anomalies renal anomalies में radial ray yes ma'am. तो ये मैडम ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला का केस है। फर्दर जो इसकी टाइप को कंफर्म करने के लिए मैडम मैं बेरियम स्टडीज करवाऊंगा। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया सर। परिसफिला जी मैम। तो ये फर्दर मैडम इसमें बेरियम स्टडी की गई है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक फिस्टुलस कम्युनिकेशन है बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस और तो इसमें मैडम मुझे एट्रेसिया तो नजर नहीं आ रहा। तो ये मुझे एच शेप एक फिस्टुलस कम्युनिकेशन है। जी सर ये एच शेप है फिस्टुला। ठीक है वो थी मतलब थी जी मैम बस ये एच टाइप फिस्टुला है जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड लगा देना जी। ये इसकी जो है टाइप्स है मैम ए बी सी डी ई। इसमें सी टाइप मोस्ट कॉमन होती है मैडम। ए टाइप होती है उसमें एट्रेसिया होता है फिस्टुला नहीं होता। बी में एट्रेसिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला। सी में जो मोस्ट कॉमन है मैडम एट्रेसिया विद डिस्टल फिस्टुला और डी में डबल फिस्टुला एट्रेसिया की। और ये ई है वो सीखी थी वो ये एच टाइप वाला था ना टाइप। यस जी मैडम ये लास्ट वाला था ई टाइप वाला। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ओके मैडम ये नेक्स्ट केस है। इसमें ए जस्ट एक्सरे पी ए व्यू ऑफ ए चाइल्ड पेशेंट। आई कैन सी ए ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर parallel to the right heart border and cardiac size is normal, lungs field are unremarkable. तो ये मैडम वो partial anomalous pulmonary venous return का केस है जिसमें Vinolobar syndrome. इसमें sometime मैडम ये right lobe की hypotrophy size भी इसका decrease मिलता है right side का। इसके ना different further इसके दो तीन spectrums में होता है ये। तो इसके नॉर्मली जो फाइंडिंग्स होती हैं वो यही होती हैं कि राइट लंग हाइपोप्लेजिया होगा और साथ में हमारे पास शेमिटार वेन जो मतलब एनोमलस वेन होगी ना वो नजर आएगी। बाकी इसके और भी मतलब स्पेक्ट्रम में ना और चीजें भी आती हैं लेकिन तीन चार स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो यही होती हैं। यस और फर्दर मैडम हम इसके साथ की भी एसोसिएशन देखेंगे एएसटी बीएसटी इसमें भी हो सकता है कंजेनिटल डायफ्राम सेक्रेशन बिल्कुल वो। और फर्दर मैडम अगर इसमें लेफ्ट टू राइट शंट ज्यादा हो तो उसमें हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। फर्दर मैम सर्जरी एडवाइस करते हैं क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से तो वो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एज एन मेजर फिनोमेना ये चीजें हो जाएंगी तो उसके लिए फिर हमें आगे फर्दर कार्डिक करना पड़ेगा। जबकि एक्सरे में हम देख रहे हैं कि वो कॉइलिंग हो गई है उसकी में ऊपर दोनों में डिफरेंट है दोनों इमेजेस डिफरेंट थी। वो फर्स्ट वाला ओड टाइप का केस था ये वेरियम स्टडी है इसमें एच टाइप फिस्टुला दिखा हुआ है सेम केस नहीं है डिफरेंट केसेस में। जी जी मैडम ठीक है यहीं से कंफ्यूजन हुई थी। डॉक्टर वकार मैडम ये भी उसी का ही है ना इसमें सिटी एनजियो कराया है ये है डिफरेंट केस लेकिन इसमें बेसिकली मैं ये इसकी एसोसिएशन दिखाना चाह रही थी ना कि इसकी ये विनोलोबार सिंड्रोम जो हमारे पास होता है इसकी एसोसिएशन में है ना हॉर्सशू लंग तो इसमें देखें ये हॉर्सशू लंग है जो राइट साइड से उधर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इसको हॉर्सशू लंग बोलते हैं ना
और साथ में ये anomalous vein इसमें inferior vein के मामले ड्रेन कर रही है, तो ये मतलब है वही चीज, लेकिन सिटी पे इसकी अपीयरेंस में हॉर्सशू लंग दिखाई हुई है। ठीक, यस जी मैडम, जी साहब, ये हॉर्सशू लंग की क्या वर्डिंग होगी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ये हॉर्सशू लंग अगर आप देखें ना पीछे राइट साइड पे जो लंग पैरेन्काइमा क्रॉस करके ना मीडियास्टम के लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं एनोमलस वेन के पीछे, तो ये जब एनोमलस वेन आपको ड्रेन होती नजर आ रही है और दूसरा आपको ये लंग पैरेन्काइमा क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रहा है, तो ये हॉर्सशू लंग बनता है ना, ये इसकी एसोसिएशन में होता है। ये होता है राइट लंग ही पैरेन्काइमा है लेकिन वो क्रॉस कर जाता है मीडियास्टाइनम, ठीक है, पोस्टीरियरली मीडियास्टाइनम को मिडलाइन को क्रॉस करता है, तो उसको हॉर्सशू लंग बोलते हैं। जी डॉक्टर आयशा, नेक्स्ट केस मैडम आपका है। जी मैडम, यही नेक्स्ट केस है मैम? जी सर, यही है, ये सेवंथ ही मेजर है। ठीक है सर, आप ले लें मैडम। डॉक्टर आयशा स्टार, डॉक्टर असलम आप ले लें। जी नहीं भाई, सिट चेस्ट कोरोनल इमेज शोज हाइपर एक्सपेंशन ऑफ द लेफ्ट लंग फील्ड एंड देयर इज अ हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ द लेफ्ट अपर लोब विद मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द राइट, देयर इज आल्सो increase attenuation on the right upper lobe and also mosaic ground glass opacities seen in the right lower lobe. This is most likely a case of congenital lobar emphysema with mediastinal shift. जी ठीक हो गया डॉक्टर असलम, इसकी एसोसिएशन बताइएगा। कंजेनिटल लोबार कौन सी एसोसिएटेड एनोमलीज देखते हैं हम इसके साथ मैडम? सिक्वेस्ट्रेशन देख लेते हैं और इवैल्यूएट करेंगे ना इसके साथ कार्डियक एनोमलीज में बीएसटी पीडीए और टॉफ, ये इसकी, हाँ जी कार्डिक के साथ ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं। और कौन से लोब में ये ज्यादा कॉमन होता है? लेफ्ट अपर लोब में ज्यादा होता है, उसके बाद फिर राइट मिडल लोब में और फिर जो है ना लेफ्ट जी राइट अपर में पर, ठीक है, सबसे ज्यादा लेफ्ट अपर में है, ठीक है, फिर राइट मिडल में, सेट ठीक हो गया, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड फर्दर डॉक्टर। नहीं जो ओपेसिटीज है ये कंसोलिडेशन है वैसे? नहीं नहीं कुछ नहीं था, नहीं नहीं था वैसे उसकी, नहीं नहीं कुछ नहीं था, वो उसकी मतलब रिफॉर्मेटिंग में वो ऐसे आया हुआ था, सो वो सो कुछ नहीं है इसमें। डॉक्टर असलम, ये जब हाइपर इन्फ्लेट कर गया ना तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम लॉस होके वो थोड़ा सा हाइपर डेंस आपको लग, बाकी सारे जितने भी है ना उस वजह से उसमें, हाँ जी, हाइपर डेंसिटी हो गई है, वो कंप्रेशन दे रहा है इस सराउंडेड लोब्स के ऊपर और राइट साइड पे भी कंप्रेशन है जरा, इसलिए वो ग्राउंड ग्लास जरा लुक दे रहा है। जी मैडम, ये नेक्स्ट केस है, डॉक्टर असलम यही आप भी ले लेंगे। अगेन एक्सरे चेस्ट, वही चीज है, अगेन वही चीज है, रिप्रेजेंटिंग द सेम फीचर्स ऑफ लेफ्ट अपर लोब कंजेनिटल लोबार एम्फाइजीमा विद मीडियास्टिनल शिफ्ट एंड रिड्यूस्ड लंग वॉल्यूम ऑन द राइट लंग। However, no other lung pathology is seen and cardiac size appears to be within normal limits. इसके साथ ये right aortic arch लग रहा है या नहीं? Right aortic arch नहीं। नहीं है ना, congenital lobar। ये contralateral shift हुई है ना? ये contralateral थोड़ी सी mediastinal shift हो रही है ना? तो उसकी वजह से ऐसी appearance आ रही है। ये मतलब right aortic arch नहीं है। जी मैडम, मैडम नेक्स्ट करूं? जी नेक्स्ट कर दें। जी मैं ले लूं? जी जी डॉक्टर आयशा आप ले लें मैडम, दो केसेस। ठीक है सर, आई एम प्रोवाइडेड विद चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ इमैच्योर स्केलेटन
I can see there's a chest lead in there, along with this the right lung appear there. The right lung appear. There is a opacity noted in the right upper zone of the lung, with some increased lucency. However, I can see some hazy opacities also in both the right and right upper mid and lower zone. However, both CP angles are normal. इसमें ये जो सब बीच में ये जो जा रही है ये लाइन है क्या, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल। ये स्पाइन इसके वर्टिब्रा के ऊपर से ये बेसिकली एनजी है, आप ये देख रहे हैं एनजी है, एनजी की लोकेशन है, लेकिन एनजी ये मिसप्लेस है, अभी एसोफेगस में है, इसको करेक्शन की जरूरत है, स्टमक में नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी, ये चीजें आपने लाजमी बतानी है कि ये ट्यूबिंग सही नहीं है। और इसमें जो है ना, इसमें ये मीडियास्टम वाइंडिंग नहीं है, ये बेसिकली ये भी वही केस है जो भी पीछे डॉक्टर इस्लाम ने बताया है। उसकी दूसरी इमेज है कंजंक्टिवल लोबार एम्फाइसीमा, ये है, इसमें राइट मिडल लोब का है, ठीक है। इसमें देखिए कि राइट मिडल लोब जो है ये बीच में आपको लुसेंसी ज्यादा नजर आ रही है, कंप्रेशन लोअर लोब में डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा डेंस है ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट्स ना, कोलैप्स की वजह से, मतलब वो उसमें प्रेशर की वजह से अपर लोब और लोअर लोब कोलैप्स है, और राइट जो मिडल लोब है उसकी इन्फ्लेशन हुई या हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये भी कंजंक्टिवल लोबार एम्फाइसीमा ही है राइट मिडल लोब का, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, सही है, ओके। ये भी ले लें डॉक्टर साहब, प्रोवाइड विद चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ एन यूनिट बीबी एंड इन विच आई कैन सी देयर आर मल्टीपल सिस्टिक लुसेंसीज, एयर फिल लुसेंसीज आर नोटेड ऑक्युपाइंग द होल राइट हेमिथोरेक्स, हाउएवर आई कैन सी द कंटूर ऑफ द डायफ्राम, राइट हेमी डायफ्राम, the left lung appears normal, the left hemidiaphragm appears normal, however I cannot see the gastric bubble in this, so there are no abnormalities, skeletal abnormalities noted. Apart from this, there is a umbilical venous catheter is also noted at the level of the inferior vena cava. Apart from this, on the basis of this, I can submit my findings. This is a case of congenital CPAM, cystic adenomatoid malformations, because I can see there is a well outline of the right hemidiaphragm. And my differential includes the congenital diaphragmatic hernia for this. And for the CPAM, I would like to see for other congenital anomalies, because as there are, because they are, it is looking as there are multiple of different sizes, less than 2 centimeters. So it's appearing to be type 2 CPAM. So I would like to work up for the other abnormalities like the sequestration and the congenital lobar emphysema associated with all the CPAM. That's all. मल्टीपल स्मॉल सिस्ट होती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर। टाइप 3 जिसमें इन्यूमरेबल सिस्ट होती है, सो टाइनी सिस्ट दैट अपीयर्स लुक लाइक अ सॉलिड। और टाइप 4 होती है जिसमें वन लार्ज सिस्ट होती है, and that is associated with the pulmonary pleuro usme wo tha ek so yaad nahi aa raha mujhe, hum usme bachcho mein ek wo karwate hain, that is associated with kya karwate hain bachcho mein, jo bilkul nahi yaad aa raha, wo pleuro pulmonary hematoma hepatoblastoma ha hota hai kuch type 4 mein, okay
इसको चेक कर लेते हैं, टाइप 4 को देख लेते हैं। ठीक, वैसे तो टाइप 3 टाइप ही मैडम पढ़ी है। हाँ, 3 टाइप ही मैंने पढ़ी है। रेडियोलॉजी में 4 भी एक लिखी हुई है, और अक्सर कई जगहों पे 4 भी लिख पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने मेंशन की। ओके ओके मैडम। 4 का सर ये लिखा होता है कि वो अनलाइंड होती है, अनलाइंड होती है, उसकी कोई एपिथेलियम होती है। ओके मैडम जी। मैडम नेक्स्ट स्लाइड करूं मैडम? हाँ जी, कर दें, कर नेक्स्ट कर दें। ये भी वही है, इसको ऐसे ही बता देते हैं। ये सिटी पे उसकी एक्सपीरियंस मतलब अपीयरेंस बताई हुई है सीपीएम की, इसमें सारी सिस्टम बड़ी सारी पूरी लंग पैरेन्काइमा को उन्होंने मतलब ऑब्लिट्रेट किया हुआ दिखाया हुआ है, लंग पैरेन्काइमा में सिस्टम, ये भी सीपीएम ही है। आगे कर दें बस। सर ये सिटी पे मैम ये जो आ रही है इसकी अपीयरेंस, तो इसकी डीडी हम क्या देंगे सिटी वाली अपीयरेंस की? इस पे सिटी पे देखें ना, सिटी पे अब जैसे ये इस टाइम जो नजर आ रहा है तो इसमें तो आप उसको गट पे सोच सकते हैं। अब देखें जब इसके डिफरेंट हम देखेंगे, कोरोनर देखेंगे, सेजिटल देखेंगे, तो तब तो फिर हम बता सकते हैं ना कि ये फ्रेगमेंटिंग हड्डियां नहीं है, ये चीज नहीं। अब सिर्फ इस इमेज पे तो इसको डिफरेंशियल में ही रहे ना, सीपीएम सिस्टिक अपीयरेंस जरूर देंगे, लेकिन साथ में कंजंक्टिवल टाइप फ्रेगमेंटिंग हड्डियां ये हमारी डिफरेंशियल्स में होगा। टॉप डिफरेंशियल में तो यही रहेगा ना हमारे पास जी मैम। और अगर कोई हम सिस्टिक लंग डिजीज बच्चे में सोच रहे हैं तो वो भी बायलेटरल होगा, जैसे अगर आप बच्चे में एलसीएच वगैरह देख रहे हैं उसकी बेसिस पे, तो वो तो फिर बायलेटरल होगा ना, वो सिंगल को तो इन्वॉल्व नहीं करेगा। डॉक्टर वकार सर ये आप ले लेंगे। I'm provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally immature patient in which I can appreciate that there is a tubular structure extending from right hilum up to the diaphragm. It has a semilunar shape. However, bilateral lung fields are almost symmetrical. Bilateral CP angles are sharp and no mediastinal shift and no other pulmonary parenchymal pathology noted. Based on imaging findings, it is likely Scimitar syndrome. कुछ और इसके अलावा कुछ और हो सकता है? इसके अलावा मैडम मैं ट्राई करूं। मैम लेफ्ट साइड पर लेफ्ट रेटिकुलोकार्डियक की कैपेसिटी आ रही है? नहीं, लेफ्ट साइड पर कुछ और नहीं, लेफ्ट साइड। अच्छा, राइट साइड मैम ये फिर राइट साइड के पैराकार्डिक ही है, पैराकार्डिक मैम इट इज मोस्ट लाइकली। यहां पे क्या हो सकता है मैम? एक्स्ट्रा बच्चों में जो है ना वो होता है सिक्वेस्ट्रेशन जो है। सिक्वेस्ट्रेशन, हाँ जी, सिक्वेस्ट्रेशन ही है। सिक्वेस्ट्रेशन है, इंट्रालोबार, इंट्रालोबार सिक्वेस्ट्रेशन ही है। मैम बच्चे तो बच्चों में तो ज्यादा कॉमन एक्स्ट्रा राइट लोअर लोब में है ना, एक्स्ट्रा होती है बच्चों में, होता एक्स्ट्रा है, लेकिन ये वाला इंट्रा ही जहाँ से मैंने इमेज ली थी ना वहाँ पे इंट्रा ही लिखा हुआ था, वैसे बच्चों में एक्स्ट्रा होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, लेकिन जहाँ पे इमेज था तो उन्होंने, लेकिन हम इस एक्सरे पे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना इस पे, तो हम नहीं बता सकते ना कि आप इसको बोले ना, बस आप सिंपल सिक्वेस्ट्रेशन ही रखें। राइट लोअर जोन में इंडिफाइंड एक आपको कैपेसिटी मिल रही है जस्ट टू राइट कार्डियक बॉर्डर, और दूसरी बात ये कि राइट कार्डियक बॉर्डर को ये सिलेक्ट भी नहीं कर रही, ठीक है, तो suggesting to be located in the right lower lobe, right lower lobe में ही लग रही है, तो ये मैडम लोग ना sequestration, मैडम ये जो मैं mark कर रहा हूँ ये वाली है मैडम, sorry ये mark जरा ज़्यादा हो गया सर, ये heart का border है, इससे आगे heart का border, उससे आगे ये सर आपने cardiac border के अंदर लगाई है line, ये नहीं, ये cardiac border के साथ ये जो बन रही है ये वाली मैडम, इसी को ये वाली, हाँ जी 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 सर, ये वाली ओपेसिटी, ठीक हो गया मैडम। मैडम क्वेश्चन ये था कि अब जैसे मैं कंफ्यूज हुआ हूं, मैंने इसको सिमितार बना दिया क्योंकि ये लग रही थी जैसे वो टर्किश स्वॉर्ड लाइक, तो
गुंजाइश दे देते हैं इसमें एग्जामिनर, मतलब जैसे आपने क्लू दिया कि कुछ और सोचे तो फिर मैंने कह दिया कि ये वो है सिक्वेस्ट्रेशन। सर उसमें फिर लॉस ऑफ रिड्यूस लंग वॉल्यूम भी होगा ना, विनोलोबार अगर होगा तो रिड्यूस होता है, लेकिन इतने पे सिक्वेस्ट्रेशन में भी अप्लेजिया होता है। डायफ्राम तक नहीं एक्सटेंड कर रही ओपेसिटी। हाँ जी, ये अच्छा पॉइंट बताया है जिसने बोला कि डायफ्राम तक तो एक्सटेंड नहीं कर रही, और दूसरी कि उसकी शेप देखिए ना, जो शेमटाल वाली होगी ना वो ऊपर से नैरो होगी थोड़ी, और नीचे आके ना थोड़ी वाइड होगी। डॉक्टर खतीजा आरफ, ये आपका भाई को ये शोर आ रहा है जी, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं। जी 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 मैडम जी, सर ये बात कर रहे थे कि एक तो ये डायफ्राम को क्रॉस नहीं कर रही, नीचे नहीं आ रही, ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो शिमेटाल वाली होती है ना ऊपर से नैरो होती है थोड़ी सी, अगर आप उसको गौर करें, हर दफा ऐसे नहीं होता इमेज में, लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं तो ऊपर से उसकी नैरो के नीचे से वाइडेंड, मतलब उसकी शिमेटाल की शेप में आती है। लेकिन ये बस एक ओपेसिटी लिखी हुई है, डिफरेंशियल देंगे ना हम इसमें, डिफरेंशियल ही देंगे इस इमेज में, इसको डायरेक्ट सिक्वेस्ट्रेशन क्योंकि बच्चा है तो उस सिक्वेस्ट्रेशन भी सोच सकते हैं। तो इसमें भी इससे एक्सरे पे पल्मोनरी प्लेथोरा नहीं है, शिमटाल में राइट लंग जो है उसका पार्ट है, ये राइट लंग उसमें हाइपोप्लेजिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारे एक्सरे ऐसे भी देखे हैं कि जिनमें राइट लंग हाइपोप्लेजिया नहीं आ रहा होता, लेकिन वो शिमटाल मतलब उसको बना रहे होते हैं जी। बस आपको डिफरेंशियल में ही फिर रखेंगे। ओके मैडम। डॉक्टर वकार, दिस इज योर नेक्स्ट केस। जी सर, अनप्रोवाइडेड विद सीटी स्कैन एक्सियल व्यू सॉफ्ट टिश्यू विंडो एट द लेवल ऑफ एट द बेस ऑफ लंग एंड अपर एब्डोमेन इन विच आई कैन अप्रिशिएट there is a soft tissue opacity in the left lower lung zone, and I can also appreciate a contrast enhanced vessel which is extending up to the descending aorta. Rest of the imaging findings are normal. Based on the imaging findings, it is most likely a case of extra lobar sequestration, left lower zone extra lobar sequestration, left sided, sorry. नेक्स्ट इसमें सर मजीद एनोमलीज के लिए देख लेंगे, और तो जी मैडम लोग सिक्वेस्ट्रेशन के साथ नॉर्मली और कौन सी एनोमली देखेंगे? हाइब्रिड लियन क्या होता है मैम? कौन सा लियन? हाइब्रिड लियन नहीं मैम, नहीं पता, नहीं आईडिया। अच्छा, नेक्स्ट इमेज करें डॉक्टर ने। जी मैडम। अच्छा, ये तो कॉन्जेनिटल वो एंटीनेटल स्कैन में दिखाया है ना, सिक्वेस्ट्रेशन ओपेसिटी पड़ी हुई है लंग में, ये तो ये चीज है। आगे कीजिएगा, अगली स्लाइड करें प्लीज। ये है हमारे पास हाइब्रिड लियन, ठीक है, ये इसको सीटी में भी दिखाया हुआ है, फिर उसकी एंजियोग्राफी की रिफॉर्मेटेड इमेजेस में भी दिखाया हुआ है। इसमें ये देखें, फर्स्ट इमेज में देखें, ये मतलब नॉर्मलस उसकी आर्टेरियल और वीनस सप्लाई दिखाई हुई है सिक्वेस्ट्रेशन वाली, और साथ में ये वो दिखाया हुआ है सी पैम दिखाया हुआ है, तो इसको हाइब्रिड लियन बोलते हैं। दोनों चीजों को जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो तो इसको हाइब्रिड लियन होता है, और ये इनकी एसोसिएशन में आता है सिक्वेस्ट्रेशन के साथ, मतलब सी पैम के साथ सिक्वेस्ट्रेशन, और ये जब इकट्ठी हो तो ये हाइब्रिड लियन है। और ये जो रिफॉर्मेटेड इमेजेस है कि वीनस और आर्टेरियल सप्लाई सिक्वेस्ट्री पार्ट की दिखाई हुई है, ठीक है जी।
जी जी मैडम, थैंक यू मैडम। मैडम वो जो पहला अभी जो केस था, अगर वो जैसे लगे तो हम जैसे हम कहते हैं पल्मोनरी लंग माल फॉर्मेशंस या वेस्कुलर माल फॉर्मेशंस, तो उसमें हम ये आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन में भी हम डीडी दे सकते हैं उसको, क्या उससे कैसे डिफर करेंगे? उसमें भी तो आपकी फीडिंग आर्टरी और ड्रेनिंग वेन आ रही है, मतलब ये जैसे ये है ना, तो इसको हम डीडी में एबीएम भी लिख सकते हैं क्या? उसको दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरे पे अगर हम बात करें ना, तो एक्सरे पे जो ईवीएम होता है ना, वो भी मतलब ऐसे ही ओपेसिटी ही आ रही होती है बॉर्डर्स पे ही, तकरीबन पेरिफेरल या नजर आती हैं या इधर डायफ्राम के साथ, वो भी ऐसे ही मतलब ओपेसिटी ही नजर आएगी वास्कुलर, तो हम उसको वास्कुलर के हवाले से बोल सकते हैं, उसमें कोई कहने में गलत नहीं है मैडम, वो टॉर्चुअस वेजल्स होंगे। एक्सरे पे भी हमें कार्ड मिलेगा ना, वास्कुलर कार्ड मिलेगा और डबल चैनल होगी ना, वेनस और आर्टेरियल दोनों जो है ना वो कार्ड को जा रहे होते हैं ना, तो वो भी इससे अलग होती। नाइडस होगा ना, एवीएम के लिए मस्ट है नाइडस ना, इन दोनों के दरमियान बिल्कुल नाइडस तो मस्ट है, लेकिन वो फिर हम सिटी पे ज्यादा कंफर्म कर लेंगे ना, सिटी पे कंफर्म नहीं हो जाएगा हमें। और मैम इस इमेज पे जैसे ये एक सिर्फ एक सिंगल एक्सियल इमेज है और एक ही आर्टेरियल सप्लाई हमें जो आयोटा सेराइज हुई थी नजर आ रही है, तो इस पे हम इसको एक्स्ट्रा लोबार या इंट्रा लोबार कहेंगे या हम पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन कहेंगे? पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन बोलेंगे। बस ये उसका जर्नल से डिफरेंस देख लें, पता ही होगा वैसे सबको इंट्रा और एक्स्ट्रा दोबार का, कि वो एक्स्ट्रा दोबार यूनिट में ज्यादा है और कंजेंटा नॉर्मलीज एक्स्ट्रा दोबार के साथ ज्यादा होती है, बस यही सारी चीजें हैं। ठीक है जी मैडम। डॉक्टर अंबर जी मैडम। टेंपर वर्टेड विद एक्सरे चेस्ट एपी प्रोजेक्शन ऑफ अ स्केलेटली इमैच्योर चाइल्ड इन व्हिच आई कैन एप्रिशिएट मल्टीपल सिस्टिक सेंसेस विद इन द लेफ्ट हेमिथोरैक्स कॉजिंग मैस इफेक्ट डिस्प्लेसिंग मीडियास्टिनम टुवर्ड्स द कंट्रालेटरल साइड, आई कैन नॉट एप्रिशिएट द नॉर्मल diaphragmatic contour on the left side, however the placed NG tube is in place, I cannot comment upon the umbilical catheters well, and the findings are consistent with left-sided congenital diaphragmatic hernia, I can also not appreciate bowel air within the abdomen. Next contrasana, next T can be done. ठीक है, इसमें फ्लोरो भी करवा सकते हैं ना, फ्लोरो स्टडीज में भी वो सारी जो कंट्रास्ट फिल्ड बबल होंगी वो हमें चेस्ट में नजर आएंगी। ठीक है जी। ठीक है, यूसी में हाँ जी, ये आप ही बता दें, बस ये एमआरआई है, एमआरआई इमेजेस में दिखाया हुआ है, इवन के ये जो ऐसी फिल्म है ना, एक एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे एमआरआई पे भी अब दिखा रहे हैं, इवन के टॉक्स में भी ऐसी इमेजेस आ रही हैं और वाइबो में भी दिखाया है एमआर पे कंजेंटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लगाई थी मैडम। एक जो स्मॉल एरो है मैडम, वो किस चीज को शो कर रहा है? स्टमक को। ठीक हां जी, ठीक है, अग्नि स्लाइड कर दे सर। Okay, I'm provided with X-ray chest AP projection of pediatric age group in which I can appreciate multiple vertebral anomalies in the cervicothoracic vertebral bodies. I can also appreciate multiple granularities within the bilateral lung fields. Cardiac size appears to be unremarkable. I would like to take the history, keeping the findings in view. My top referential would include, if it's a premature child, hyaline membrane disease. Next, I would like to keep ARDS in my differential.
जी आरडीएस ही है, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस सिंड्रोम वही है। इसमें देखें फाइन ग्रैनुलर अपीयरेंस आपको नजर आ रही है जी, तो आरडीएस की लाइन पे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है मैडम, ये वर्टिकल आपको नजर आ रही आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, वर्टिब्रा एनोमलीज आ रही है। ठीक है थैंक यू। अंदर ऐसे पेशेंट में फिर वो सर्फेक्टेंट दिए जाते हैं और इनको वो मेरा ख्याल एक जी जी वो ईटीटी से भी देते हैं और सारा वे दूसरा वो स्प्रेज होते हैं ना उनके थ्रू उनको ये सर्फेक्टेंट दिए जाते हैं। जी मैडम, ये वर्टिब्रल एनोमली स्पेसिफिकली क्या होगी, डायस्टेसिस है या क्या है, मतलब वो गैप जैसे बढ़ गया हो? जी जी ये वो बाइफिडम ही हुई है ना हमारे पास, वर्टिब्रल एनोमलीज या बाइफिडमेंटेशन से क्या बाइफिड लग रही है, सेगमेंटेशन बाइफिड है जी। इसमें वो जी मैडम सरफेक्टेड और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी करते हैं, मुझे याद आ रहा है जी। चलें एक्सीलेंट। ये जो नेक्स्ट है जेड ए, मैडम आपने नाम नहीं लिखा, जेड ए के नाम से आप ये केस ले लें। जेड ए जी सर, डॉक्टर जमीना जी। मैडम जमीना ये ले लें आप प्लीज। चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ skeletally immature patient is provided showing opacification of the left hemithorax. However, no evidence of any mediastinal with slight ipsilateral mediastinal shift. Also, there is hypertrans. Area of increased lucency is noted along the right hemidiaphragm with deep sulcus sign probably. I can see NG tube in situ. Sir, बस यही समझ आ रहा है, left opaque hemithorax है और right side पे pneumothorax है और left opaque hemithorax with slight shift hair towards the or I can see thymic shadow in the superior mediastinum. Hmm, बस ये RDS ही है, ये भी सेम ही जैसे पिछला था, तो इसमें भी RDS आप देखें। पहली तो बात ये है ना कि ह्यूमरल हेड इसमें देखें कि ऑसिफाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये चीज देखा करें। इसका मतलब कि RDS है तो प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर बेबी हमारे पास, ठीक है, तो इसमें फीमोरल हेड ऑसिफिकेशन नहीं है, तो ये सजेस्ट कर रही है कि प्रीमेच्योर पेशेंट है। और उसके बाद वही बाइलेटरल ग्राउंड ग्लास डेंसिटीज हमें नजर आ रही हैं विद एयर ब्रोंकोग्राम्स, क्योंकि जो एआरडीएस होगा उसमें एयर ब्रोंकोग्राम्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि लंग वॉल्यूम जो होता है ना, लंग वॉल्यूम अंडर इरेशन होती है, मतलब लंग वॉल्यूम रिड्यूस होता है, अंडर इरेशन होती है, एयर ब्रोंकोग्राम्स होंगे, ग्रेनुलर हमें अपीयरेंस नजर आएगा, तो उसको आपने एआरडीएस बोलना है। तो इसमें भी वही चीजें हैं, बाकी ये ट्यूबिंग है, एनजी डेली भी है, ऊपर शायद ईडीटी भी है, तो ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का ही केस है। अच्छा इसमें मैं एक चीज ना, मैं ये वाइड नहीं है, नहीं नहीं ये वाइड नहीं है, ये सुपाइन है ना, सुपाइन व्यू है ना, तो स्पाइन में वैसे ही थोड़ा सा वो कार्डियक एरिया आपको पता है कि वो ज्यादा ही नजर आता है, तो स्पाइन व्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। ऊपर तो थायमस है ना, तो नीचे मीडियास्टम वाइडिंग नहीं है, स्पाइन पोजीशन की वजह से, एपी व्यू की वजह से ऐसे अपीयरेंस आ रही है। और मैम ये जो इसका राइट सीपी एंगल है ये नॉर्मल है? नहीं, राइट सीपी एंगल में नॉर्मल नहीं है। आप बताएं ऐसे क्यों है, आपने खुद अभी बताया था कि लुसेंसी है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव लुसेंसी राइट, हां जी, प्लूरल एज की वजह से लिटरली ना लुसेंसी नजर आ रही है ड्यू टू निमोथोरिक्स, ठीक है। जब ये ऐसे नजर आता है ना, लुसेंसी नजर आती है राइट हेमिथोरिक्स की भी, प्रूडर एज जहाँ पे बनता है, जहाँ पे लुसेंसी नजर आती है, तो ये निमोथोरिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। डीप सल्कस साइन बिल्कुल, लेकिन जो कार्डियोथाइमिक कंटूर है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, वो स्पाइन व्यू है, तो इसलिए आपको मीडियास्टम वाइडनिंग की अपीयरेंस आ रही है। जो लेफ्ट वाली आ रही है उसको जो लेफ्ट पे आ रही है वो हम आरडीएस कहेंगे ना, और जो राइट पे आ रही है उसे निमोथोरिक्स कहेंगे,
क्योंकि जो लेफ्ट बाइलेटरल बाइलेटरल हैं, ग्रैनुलर अपीयरेंस बाइलेटरल लंग्स में है। मैं यही पूछना चाह रही हूं कि ये बाइलेटरल निमोथोरेक्स बाइलेटरल आरडीएस है विद कॉम्प्लिकेटेड निमोथोरेक्स ऑन राइट साइड, ठीक है? सही मैडम, आरडीएस एक साइड का तो होता ही नहीं। जी जी बिल्कुल, लेकिन वो पूछ रही थी ना स्पेसिफिकली कि लेफ्ट का हम क्या करेंगे, तो मैंने इसलिए बताया कि राइट साइड में निमोथोरेक्स कॉम्प्लिकेशन हो गई है। जी मैडम। जी डॉक्टर जर्मीना, दिस इज योर नेक्स्ट केस। जी सर, चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्री मैच्योर पेशेंट इज प्रोवाइडेड। हियर आई कैन सी अ वेल डिफाइंड opacity in the right perihilar and pericardic region, which is not completely surrounded by lung parenchyma. Bilateral lung fields appears to be normal. The right side pe ek opacity hai, to ye, however, no evidence of any air bronchograms. Miss further, ma'am, batayenge. अच्छा, इसमें देखें कि आपने कहा कि नॉर्मल है लंग फील्ड्स ना, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि हेजी है, लुसेंसीज है इसमें ना बायलेटरल। हाँ जी, इसमें बायलेटरल एम्फाइसीमा की तरफ सोच रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा में ऐसे नहीं होगा, वो मैं आगे दिखाऊंगी। इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा में मतलब उसमें बहुत ज्यादा रेटिकुलेशन ओपेसिटीज आती है। इसमें देखें आप, ऐसे हेज सा है सारा, हेजी एयर स्पेस ओपेसिटीज है इसमें, इसमें हेज है सारा। तो ये हेज किसकी तरफ जाता है? बाइलेटरल हेज है। ये वेट लंग डिजीज हो सकती है, ट्रांजिएंट किडनी ऑफ न्यू बॉर्न जो होता है, ये टीटीएन है। इसमें देखे ना, इसमें बेसिकली टीटीएन में क्या होता है, टीटीएन में फ्लूइड रह रहा होता है ना लंग्स में नॉर्मल, मतलब उसमें। हाँ जी, इसमें इसमें हिस्ट्री भी, ये जो असल में चीजें है ना, ए आर डी एस, टी टी एन, मेकोनियम एस्पिरेशन, ये सारे है ना आपस में बहुत मिलती जुलती चीजें हैं, तो इसमें हमें हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा साथ देती है ना हिस्ट्री। अब जैसे ए आर डी एस है तो उसमें हमने देखना होगा कि प्रीमेच्योर की हिस्ट्री होगी। हाँ, प्रीमेच्योर हिस्ट्री होगी, ऐसे ही होता है न्यूनेटल नमोनिया भी। हाँ, ऐसे होता है, वो भी होता है, वो भी इसके डिफरेंशियल में ही आता है। ये जो सारी ग्रेनुलर डेंसिटीज आती है ना, रेटिनुलर डेंसिटीज, उसकी ये सारी डीडी में आती है। वेट लंग डिजीज हो गया, न्यूनेटल नमोनिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा मतलब ये सारी चीजें हैं, और टीटीएन डायबिटिक मदर होती है। नहीं देखें ना, आरडीएस तो दिखाते हैं ना नॉर्मली, आरडीएस में आपको दूसरी जो मैंने बात बताई ना, आरडीएस लगाएंगे ना अगर, तो ग्रैनुलर अपीयरेंस आपको नजर आ रही होगी, आपको एयर ब्रोंकोग्राम्स नजर आएंगे। इसमें देखें आपको एयर ब्रोंकोग्राम नजर आ रहे हैं, और आरडीएस में अंडर इरेशन होगी लंग्स ना, आपको थोड़े से ऐसे लगेगा वॉल्यूम कम कम है, जबकि टीटीएन जो होता है ना, टीटीएन में या वॉल्यूम नॉर्मल होता है या फिर थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसको आप देखें, इसमें आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा नहीं लग रहा, थोड़ा सा हेज सा है, बायलेटरल हेज नजर आ रहा है आपको, हेजी ओपेसिटीज नजर आ रही है, मतलब डेफिनेट आप नहीं कह सकते बायलेटरल ऐसे हेजी हेजी है, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज्यादा है। और दूसरा, अगर आप इसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, आपको ये चीज दिखा रहे हैं, तो आपके माइंड में ये तीन चार चीजें आ जानी चाहिए, आरडीएस आ जाएगा, टीटीएन आ जाएगा, मेकोनियम एस्पिरेशन आ जाएगा, ये तीन चार चीजें। अब जैसे न्यूनेटल निमोनिया भी कोई बोल रहा था, ये सारी चीजें आप सोचेंगे, तो उसके हवाले से आप इसकी हिस्ट्री ले लेना। आप जैसे अगर आरडीएस सोच रहे हैं तो आप देखें उसकी प्रीमेच्योरिटी देखें, या पूछ लें, या उसकी ऑसिफिकेशन नहीं है, ये चीज सोचें। अब जैसे टीटीएन है तो आप सिजेरियन सेक्शन की देख लें। आरडीएस वाला जो होगा ना बच्चा, आरडीएस वाले में आपको ईटीटी भी लाजमी तकरीबन नजर आएगी, टीटीएन में ईटीटी नहीं होगी। पहले नॉर्मली हमें, मुझे भी ऐसे बताया गया, मैंने हमारे कंसल्टेंट ने भी बताया, आरडीएस वाला जो बच्चा होगा ना उसके एक्सरे में आपको ईटीटी भी नजर आ रही होगी, पर डिस्ट्रेस होगा तो वो ईटीटी डाल देते हैं। ये जो शैडो आ रहा है, ये थायमस का शैडो आ रहा है, ये सेल लाइक शैडो, ये थायमस का आ रहा है।
तो टीटीएन में देखें आपको ये ना थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है ना, और दूसरा आपको ग्रेनुलर अपीयरेंस नहीं मिल रही, जैसे मैंने आपको पिछली अभी आरडीएस की इमेजेस दिखाई थी उसमें पूरा ग्रेनुलर अपीयरेंस थी, व्हाइट और ब्लैक डॉट नजर आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये अपने थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अगर 3-4 जहन में रखेंगे ना, तो और अगर आप हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे तो फिर बताना इजी हो जाएगा। तो मैम ये ल्यूसेंसीज आ रही हैं छोटी छोटी, ये उसकी हेज की वजह से आ रही है ना, हेजी अपीयरेंस है। अभी ल्यूसेंसी वाली जो आप कह रही है ना वो आगे मैं आपको और भी दिखाती हूँ। जी जी, इसमें हम इस तरह भी कंपाइल उसे कर सकते हैं कि जी हम डीडी में मैं टीटीएन और न्यूनेटल निमोनिया भी रखूंगी, एंड इफ आई एंड सजेस्ट टू स्टार्ट विद द एंटीबायोटिक्स, इफ इट इज वर्क्स देन इट्स न्यूनेटल निमोनिया विद कंटीन्यूअस, मतलब एक्सरे वो करवाते रहेंगे हम इसके रोजाना, या और अगर नहीं होता तो फिर हम टीटीएन की तरफ, इस तरह भी हम उसे कहेंगे ले जाएंगे उनको सेटिस्फाई करने के न्यूनेटल निमोनिया। नॉर्मली जो इसमें नहीं नहीं, पहले आप तो टीटीएन की तरफ जाए ना, क्योंकि टीटीएन तो जल्दी रिजॉल्व होगा ना। हाँ ठीक है, वो तो जाते हैं 48 आवर्स में। नॉर्मली आपको आपको चेस्ट एक्सरे में 6 आवर्स में भी फ्लूइड आपको लंग में नजर आ जाता है, हेजी मार्जिन नजर आ जाएंगे 6 घंटों में भी, उसके उसके बाद 10 से 12 घंटे में ना ये लंग की क्लियरेंस शुरू हो जाती है इसमें टीटीएन में। फिर जब क्लियरेंस स्टार्ट होती है ना, ये वाला जो बल्कि फेज होता है ना कि जब 10-12 आवर्स पे लिखा हुआ है बुक्स में भी, 10-12 आवर्स पे जब इसकी क्लियरेंस होती है तो फिर इसका बल्कि वो जो हेज की बजाय ना रेटिकुलर ग्रैनुलर पैटर्न हो जाता है, क्योंकि जब क्लियरेंस शुरू होती है तो वो कहीं पे फ्लूइड होता है कहीं पे नहीं होता, तो बल्कि उस स्टेट में 10 से 12 आवर्स में वो बल्कि आरडीएस से बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, उसको मिमिक कर रहा होता है, तब उसे डिफ्रेंशिएट करना आरडीएस से मुश्किल हो जाता है। शुरू में जैसे मैंने आपको ये वाली इमेज दिखाई ना, ये हेज है, जब क्लियरेंस स्टार्ट होगी तो फिर वो आरडीएस से मिमिक करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि ये जो टीटीएन है ना, टीटीएन में आपको नॉर्मल या हाइपर इन्फ्लेशन नजर आएगी अगर आपको ग्रैनुलर अपीयरेंस मिल रही है, लेकिन आपको अंडर इरेशन नहीं लग रही, बड़े बड़े लंग लग रहे हैं, तो फिर आप टीटीएन की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली ये जो क्लियरेंस फिर होती है ना, नॉर्मली क्लियरेंस 48-72 आवर्स पे ये खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और आप देखेंगे ना इसकी ग्रेजुअली जो क्लियरेंस होती है ना, पेरिफेरल टू सेंट्रल होती है, कि जैसे आप उसके सीरियल एक्सरे आप उसको एडवाइस करेंगे, सीरियल एक्सरे जो एडवाइस करेंगे तो आप सेंट्रल पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ग्रेनुलर अपीयरेंस, ये जो हेज है, ये पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ कम होता जाएगा, ठीक है। और फिर ये 72 आवर्स पे अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट जो होता है ना शुरू में वो वाइट लंग होती है, और बाद में फिर क्योंकि लिम्फेटिक्स से फ्लूइड अब्सॉर्ब होता है ना, खत्म करते हैं लिम्फेटिक्स, तो फिर रेटिकुलेशन फॉर्म में जब क्लियर करना शुरू कर देते हैं तो वो जो रेटिकुलेशन होती है वो फिर लिम्फेटिक्स में फ्लूइड जा रहा होता है, इसलिए वो रेटिकुलेशन आपको धागे धागे से मिल रहे हैं, स्टेक से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमें नजर आ रहे हैं? नहीं, इसमें भी देखना, फीमोरल हेड की वजह से ऑसिफिकेशन तो नहीं हुई हुई ना, इसमें भी नहीं नजर आ रहा। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा मेन तो यही होता है कि प्री मैच्योर है या मैच्योर है। वैसे इसमें नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अक्सर जो दिखाते हैं ना उसमें उसमें ऑसिफिकेशन सेंटर आ रहा होता है, तो हम उससे भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास ये मतलब प्री मैच्योर है कि नहीं। जो ग्रेनुलरिटी होती है ना वो माइक्रो एटीलेक्टेसिस को शो कर रही होती है, मतलब क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं होता ना, सर्फेक्टेंट नहीं होता, तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे लंग कोलैप्स आपको मिलता है, वो बेसिकली जो ग्रेनुलरिटी है वो लंग कोलैप्स माइक्रो एटीलेक्टेसिस की वजह से है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ग्रेनुलरिटी क्यों आ गई माइक्रो लेवल है। हाँ जी ऐसे ही है जी। डॉक्टर शमाइला जी, डॉक्टर शमाइला जी मैडम जी सर। Okay, sir. I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally immature patient. Here I can appreciate that there's widening of the mediastinum. Heart size appear at the upper limit,
and or myelin the heart, heart size, and both lung fields appear mildly hyperplated. However, no internal consolidation or air bronchogram appreciated. No cavitation, no calcification appreciated. Few patchy areas of opacities are appreciated in the lungs. Now, lung fields. थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखा है तो लग रहा है कि few patchy air opacities आ रही हैं कहीं कहीं पर. और बाकी no pleural diffusion appreciated. Visualized skeleton appears unremarkable. तो few patchy opacities आ रही हैं in the parietal lung fields and increase जो है वो lung volume है, heart size mildly enlarged है. तो I would like to take the history of patient कि बच्चा किस तरह present किया है और बाकी इसकी मैडम कोई history है patient की कि ये टर्म पे है कि पोस्ट टर्म है पेशेंट. हेलो पोस्ट टर्म है ये पेशेंट. जी जी पोस्ट टर्म है. जी जी पेशेंट पोस्ट टर्म है तो फिर मेरा जो है प्राइमरी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस होगा वो मेकोनियम एस्पिरेशन है और जो है डिफरेंशियल्स में इसकी निमोनिया. लेकिन इसमें पोस्ट टर्म की सिर्फ हिस्ट्री जरूरी नहीं है, टर्म पे भी हो सकता है. फीटल डिस्ट्रेस में होगा बेशक टर्म पे हो या पोस्ट टर्म हो तो मेकोनियम एस्पिरेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है. इसमें फीटल डिस्ट्रेस की वजह से होता है ना मेकोनियम एस्पिरेशन, फीटल डिस्ट्रेस में जब होता है तो उसकी वजह से होता है ये. ठीक है लेकिन ये पोस्ट टर्म वैसे पोस्ट टर्म नॉर्मली ऐसी ही है हिस्ट्री में, लेकिन टर्म पे भी हो जाता है ये. ठीक है जी. ठीक है मैडम. ठीक है बस इसकी डिफरेंशियल में देखिए आपको. हाँ जी हाँ जी इसमें बाइलेटर आपको सिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल एरियाज वो स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं और ओवर इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी लग रही है. और अगर आप इस चीज भी लेते हैं टर्म पे तो मतलब ये फिर मेकोनियम एस्पिरेशन ही बनता है. ठीक है अच्छा मेकोनियम एस्पिरेशन में क्या होता है थोड़ी सी पैथोजेनेसिस फिजियोलॉजी इसकी बताएं थोड़ा सा. मेकोनियम एस्पिरेशन में बेबी जो है वो एस्पिरेट कर लेता है मेकोनियम और मतलब यही इसके अंदर होता है ना. ये होता है मेकोनियम एस्पिरेशन में हमें ना जो एक्सरे पे मिल सकते हैं ना हमें रोप लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जैसे रस्सी होती है ना रोप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें ऐसे नजर आएंगे. और दूसरा इसमें होता है इसमें ब्रोंकाई के अंदर ना मेकोनियम चला जाता है तो उसमें उसमें आगे जब ब्रोंकाई के अंदर जाएगा तो टू मैकेनिज्म इसके हो सकते हैं. एक जैसे अंदर मेकोनियम गया बॉल वॉल जो मैकेनिज्म होता है बॉल वॉल मैकेनिज्म उसके जरिए से एयर ट्रैपिंग अंदर हो गई. एयर ट्रैपिंग अंदर हो गई लंग वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो निमोथोरेक्स हो जाएगा. ठीक है वो उसकी लोसेंसीज नजर आएंगी. या फिर दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि ब्रोंकाई जब के अंदर जब मेकोनियम गया तो उसका कंप्लीट कोलैप्स हो गया. कंप्लीट कोलैप्स की वजह से इसका एटिलेक्सिस हो जाएगा और निमोनाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन्स ये चीजें हो जाएंगी. मतलब लूसेंसी भी हो सकती है और इफ्यूजन मतलब ओपेसिटी भी हो सकती है. इसका मैकेनिज्म है थोड़ा सा ना कि उसमें इस तरह इसने और हमें एक्सरे पे रोप लाइक स्ट्रक्चर से नजर आएंगे. अच्छा ठीक है सर. जी जी ये जो रोप लाइक जो रोप बनती है ना मैडम यही बेसिकली मेकोनियम ही है जो कि ब्रोंकाई में आगे आगे फर्दर फंस जाता है ना तो वो हमें बाहर तो वो रोप्स की तरह ही नजर आता है ना. ये बेसिकली फंसा हुआ मेकोनियम है जिसको हम रोप लाइक जी. डॉक्टर शमाइला नेक्स्ट कर दें डॉक्टर नेम. जी सर वही कह रही पैरेट लाइक मतलब. जी जी सर हेलो आवाज आ रही है. जी 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 अब आ रही है मैडम. जी ओके जी डॉक्टर शमाइला. जी सर आई एम प्रोवाइड विद एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन
of a skeletally immature patient. I can appreciate that multiple streaky air lucencies are appreciated in the right lung field with multiple patchy airspace specifications, and the left lung volume is reduced. There's a shift of the mediastinum is appreciated on the left side. And considering these findings, if the patient, if there's history of positive positive pressure ventilation, my provisional diagnosis is pulmonary interstitial lymphysema. जी ठीक है ऐसा ही है इसमें और क्या क्या हो सकता है इसमें हमें निमोथॉरिक्स मिल सकते हैं और अगर ये लेट इसकी प्रेजेंटेशन हो तो उसमें ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया डेवलप हो सकता है जी मैडम ये इसमें ट्यूबिंग कौन-कौन सी आ रही है मैम ये तो एनजी ट्यूब डली हुई है जी जी एक एनजी ट्यूब तो डली हुई है इसके अंदर और बाकी मुझे लगता है कि वायर्स ये ऊपर से ही हैं इसके अंदर ऊपर से ही गुजर रही हैं बाकी जो है ना ये ऊपर से गुजर रही हैं ठीक है बाकी इसमें निमोमीडियास्टिनम भी हो सकता है ठीक है निमोथोरेक्स निमोपेरिकार्डियम इवन के एक्स्ट्रा थोरेसिक सॉफ्ट टिश्यू में भी एयर चली जाएगी बस वही है जैसे एल्वियोलर प्रेशर ज्यादा होगा तो एल्वियोलर रप्चर कर जाएंगे और जो एयर होगी वो कहाँ पे पेरिब्रोंकियल पेरिवास्कुलर स्पेसिस में ना इंटरस्टिशियम में आ जाएगी जिसकी वजह से हमें ये अपीयरेंस नजर आती है लुसेंसीज वाली ठीक है और इसकी लेट जो है वो फिर ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया डेवलप हो जाता है जी बिल्कुल हाँ वो डेवलप हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कर दे मैडम ये मैडम इसके जो आ रही है ये राइट ओपेसिटी वो क्या चीज थी इंटर अंडरलाइन हुई हुई वो पुश सर्कुलर ये जो रिंग्स है मैडम दो दोनों साइड ये तो रिंग्स है ना ये कुछ नहीं है ये तो बायलेटरल रिंग्स है ना ठीक है मैडम लुबना मैडम 1 से 1.5 मिनट रह गया तो अगर काइंडली 3 से 4 अगर काइंडली आप बस डायग्नोसिस बस बता दें और फिर सही ये भी वही है इसमें भी देखे ना ये जो वाला एक्सरे इसमें निमोथोरेक्स हो गया साथ साथ में निमोथोरेक्स मीडियास्टाइनम शिफ्ट की कुछ दिखाया हुआ है ठीक है बाकी वही ट्यूबिंग्स डली हुई एटीटी है एनजी है अम्ब्लिकल कैथेटर है नेक्स्ट कर दें ये भी वही है पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइजेमा अच्छा अब ये क्या है ये वैसे थोड़ा इम्पोर्टेंट था टॉपिक इसमें फॉरेन बॉडीज के हवाले से है ना अब देखिए ये राइट ब्रोंकस में देखें आपको कैपेसिटी नजर आ रही है अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखें आपको लेफ्ट लेफ्ट वाला जो लंग फील्ड है वो थोड़ा सा हाइपर इन्फ्लेटेड मिल रहा है ठीक है और साथ में आपको ब्रोंकस की जगह पे एक ओपेसिटी हाँ बिल्कुल ये ओपेसिटी नजर आ रही है तो ये फॉरेन बॉडी है अच्छा नेक्स्ट इमेज करें नेक्स्ट इमेज में देखें ये वही है और उसका ये ब्रोंकस में आपको ये ओपेसिटी पड़ी हुई नजर आ रही है जी मैडम ये बिल्कुल थोड़ा मार्क उसका थोड़ा ऊपर ये वाली है हाँ जी बिल्कुल ये वाली ये फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है जिसके बाद उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे लंग जो है हाइपर इन्फ्लेटेड हुआ हुआ है अच्छा ना इसमें व्यूज थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ना कि कौन कौन से व्यूज करते हैं जैसे अब अगली इमेज करें जी मैडम ये तो मतलब नॉर्मल दिखाया हुआ है इसमें भी ये राइट वाली साइड की देखिए आपको इन्फ्लेशन लग रही है ना लंग की नेक्स्ट इमेज कर दें अब ये इसका लेटरल व्यू कराया हुआ है उसमें ये होता है कि जो मतलब डिजीज साइड लग रही है ना उसको डिपेंडेंट अगर हम रख के देखें तो डिपेंडेंसी में लंग कोलैप्स कर जाता है लेकिन इसमें देखें डिपेंडेंट पार्ट जो है राइट साइड वाला जिसमें अभी जो नॉर्मल सीधा एक्सरे था उसमें भी वो हाइपर इन्फ्लेटेड लग रहा था जब डिपेंडेंट साइड पे उसको लेटरल पोजीशन में किया है तो वो कोलैप्स नहीं हुआ वो वैसे ही हाइपर इन्फ्लेटेड रहा है तो इसके कुछ व्यूज होते हैं तो ये लेटरल ड्यूकोबिटस पोजीशन में फॉरेन बॉडीज के लिए जो हम कराते हैं कि अगर फॉरेन बॉडी हमें नहीं मिल रही तो उसमें हम इन व्यूज में कराते हैं ताकि हमें इसमें फर्क पता लग सके जैसे बच्चों में कराना होता है तो बच्चों में हम एक्सपायरेशन पे व्यूज कराते हैं तो उसमें एक्सपायरेशन में ये होता है कि बच्चे को खुद तो हम कमांड नहीं कर सकते तो पेरेंट को कहा जाता है कि उनके अपर एब्डोमेन चेस्ट को अपवर्ड पुश करें कि जिसकी वजह से मतलब एक्सपायरेशन वाली सिचुएशन कंडीशन हम अटेन करें तो उसमें नॉर्मल लंग जो होता है ना वो स्मॉलर नजर आता है स्मॉलर और डेंसर होगा देन द अफेक्टेड लंग मतलब जैसे हम एक्सपायरेशन वाली कंडीशन बच्चे के चेस्ट को कंप्रेस करके करते हैं ना तो उसमें नॉर्मल लंग तो हमें छोटा नजर आएगा लेकिन जिस तरह ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अफेक्टेड साइड जो होगी ना वो हमें काली नजर आएगी
एयर रिटेंशन की वजह से और ऐसे ही लिटिल ड्यूक्यूबिटस यूज भी करते हैं उसमें भी जो फैक्टरेट साइट होती है वो इन्फ्लेटेड और हाई पोल्यूशन ही नजर आती है ठीक है ये इस नॉर्मल अगर हम ड्यूक्यूबिटस करें तो जिस साइट पे डिपेंडेंट होगा वो हाइपरल्यूशन नहीं होगा मैडम नहीं वो नॉर्मल अगर करेंगे ना तो नॉर्मल जो डिपेंडेंट साइड होती है ना वो मतलब काली नहीं होगी हाइपरल्यूशन नहीं होगी वो थोड़ी सी क्योंकि वहां पे वो प्रेशर नॉर्मल में हां 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 प्रेशर इस वजह से अंदर एयर ही नहीं जाने देगा जी अब जैसे फॉरेन बॉडी वाले केसेस में जब हम करेंगे तो हमें मतलब प्रॉब्लमेटिक साइड लग रही है उसको अगर डिपेंडेंट रखेंगे तो वो हाइपर इन्फ्लेटेड ही नजर आएगी हमें तो ये होता है थोड़ा सा इसको देखने के लिए ना इसी तरह से फ्लोरोस्कोपी वगैरह भी करती है सिटी में तो साफ पता लग जाता है सिटी में तो वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी में हमें फॉरेन बॉडी नजर आ जाएगी बाकी इसकी फॉरेन बॉडी की बच्चों में टाइप्स होती है ऑर्गेनिक टाइप्स भी होती है अनऑर्गेनिक भी होती है तो ऑर्गेनिक में जैसे सीड्स नट्स वगैरह आ जाते हैं अनऑर्गेनिक में टीथ कॉइन पिंस ये सब चीजें आ जाती हैं तो इनको मतलब ये व्यूज इनके इम्पोर्टेंट है ये आप सब पढ़ लीजिएगा और बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है इसकी ब्रोंको फ्यूजन भी हो सकती है स्ट्रिक्चर्स वगैरह ये सब चीजें बन सकती हैं मतलब इसमें एक्सपायरेशन और ड्यूकोपिटस पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्सीलेंट पे एक बार एक्सरे पे मार्क कर दें एक दफा मैं मार्क करता हूं एक मिनट कल ये है ना मैडम सॉरी थोड़ा सा इस साइड पे हो गया जी जी थोड़ा सा इधर हो गया लेकिन यहीं पे है ये वाइट सी जो नहीं नहीं डॉक्टर ने जी मैडम ये वाला वो दूसरा एक्सरे था ठीक है सॉरी ये राइट साइड पे है जी इसमें राइट साइड पे इसमें इतनी नजर नहीं आ रही तो फिर ऐसे कंडीशन में जिसमें हमें नहीं नजर आ रही होती स्पाइन पोजीशंस में तो उसमें फिर हम डिकोबेटर्स यूज कराते हैं तो उसमें हमें फिर ये आइडिया हो जाता है हाँ यहाँ पे कह सकते हैं लेकिन ये नहीं है वैसे ये उसका ये जो मार्क किया ना किसी ने भी स्पाइन का ही मार्जिन आ रहा है इस व्यू में इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही ठीक है लेकिन जब हिस्ट्री हमें पता लगेगी हिस्ट्री होगी और हमने दूसरे व्यूज लेंगे उसकी हेल्प लेंगे तो फिर हमें अफेक्टेड साइड का पता लग जाएगा बाकी डेफिनेट तो फिर आगे हम उसकी ब्रोंकोस्कोपी की तरफ जाएंगे ना जो कि थेरेप्यूटिक भी होगी जिसके साथ हम फॉरेन बॉडी निकाल भी लेंगे मैडम जज़ाकअल्लाह एक्सीलेंट मैडम लुबना बहुत अच्छा मैडम आपने बताया और माशाल्लाह अल्लाह ब्लेस यू मैडम अल्लाह टू प्रेयर फॉर थैंक यू सर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू टेक केयर मैडम अल्लाह हाफिज़